ट्रेन में ना टीटी भी आता है, देखो टीटी जो है ना, देखो ट्रेन की टिकट चेक कर रहा है ये, स्कैन कर करके देखो सबकी। तो ये मत सोचना कि टॉय ट्रेन है भाई, असली की ट्रेन है बिल्कुल। काव्या जो मस्ती कर रही है। काव्या कहाँ पे है? काव्या ट्रेन में। तो काव्या कहाँ जा रहे हो बेटा आप? जाओगे कहाँ? नानी के घर जा रहा है। तो गाइस देखो जो हॉर्न नानी के घर जा रहा है, सायरन दे दिया है भाई। और देखो ट्रेन चल चुकी है, ये देखो भाई टॉय ट्रेन चल गई है। देखने को मिल रहा ना, मेरा हाथ हटा दिया। देख ले बेटा मैं यहाँ से बना रहा हूँ। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, आई एम ओके। तो गाइस देखो अभी हम टॉय ट्रेन में बैठे हुए हैं बच्चों के साथ, और मतलब वर्थ है भाई। मतलब आपने अगर 300 पे करे हैं तो वर्थ है, बहुत वर्थ है सीरियसली। तो मतलब आपको लग ही नहीं रहा आप टॉय ट्रेन में बैठे हो, आपको लिटरली एक फील आएगा कि आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन या किसी एक बड़े रेलवे स्टेशन पे। सीरियसली बहुत अच्छा बना रखा है यार। काव्या हाय। काव्या ट्रेन में मजे ले रही है। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं सुप्रिया? एंट्री कर रहे हैं, आ गए हैं रेल म्यूजियम के अंदर। और दिखा रहा हूँ मैं आपको रेल म्यूजियम के अंदर का कुछ इस तरीके का नज़ारा है पूरा। मतलब म्यूजियम की तरह ही है, लेकिन ठीक है यार आप आए हो, आपने 100 रुपये की टिकट ली है तो आप देख सकते हो, देख के चलो आप देख सकते हो। देखो ये जो है
स्टीम इंजन के बारे में पूरा बताया हुआ है, लोको पायलट के लिए फर्स्ट स्टीम इंजन के बारे में है, पूरा टूरिज्म व्यू है। कम आ जाओ, ये देखो मिराज स्टेशन, क्लॉक मेकर, बेंसन लंदन। काव्या मेरे साथ वॉक कर रही है। काव्या फिर वॉन्ट टू गो बेटा? हाँ आ जाओ। म्यूजियम को म्यूजियम की तरह ही बनाया जाता है भाई। तो आप मतलब मेरे को तो सबसे ज़्यादा मज़ा मेरे को तो जोए ट्रेन में आया भाई, सबसे बेस्ट। मतलब आप रेल म्यूजियम आए और जोए ट्रेन में नहीं बैठे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। और ठीक है सुप्रिया कम, ट्रेन के अंदर शिप कहाँ से आ गई? अच्छा स्टीम इंजन को लेके जाती थी, मेरे को टनल्स ऐसे बनाया जाता है, देखो प्रॉपर उन्होंने बताया हुआ है कि टनल कैसे बनाते हैं। आओ ब्रिज के बारे में देखेंगे, आ जाओ सुप्रिया। ये कुछ देखने लायक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंसुलेटेड जॉइंट्स हैं ये ट्रेन के भी, सिटी हाई स्पीड कोयल ब्रिज। चेनाब ब्रिज वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज भाई, ये देखो अभी बन रहा है ये, और ये बन के तैयार हो जाएगा जल्दी। ये देखो यार कितनी हाइट है यार इसकी, ये देखो कुछ खास नहीं है। सिग्नल्स के बारे में बताया हुआ है कि सिग्नल्स क्या होते हैं 1920 में 1919 में कैसे सिग्नल्स थे, ये ट्रेन ऑपरेशन बोर्ड है पूरा, तो ये सारे सिग्नल्स हैं बेसिकली, ये सारे सिग्नल्स हैं। ठीक है यार अच्छी चीज़ है, कोई ट्रेन के बारे में नॉलेज गेन करना चाहता है तो वो इजीली नॉलेज गेन कर सकता है। तो ये देखो ये अच्छी चीज़ है, ये देखो डाउन लाइन के बारे में। कितनी बिग ट्रेन, कौन सी वाली लोगे आप खेलने के लिए? काव्या कौन सी लोगे, कौन सी ट्रेन लोगे आप खेलने के लिए बेटा? तो कुछ हाँ देखो ट्रेन ही ट्रेन, ये देखो पहले वो देखो ये स्टीम इंजन, स्टीम लोको, वंदे भारत का भी यहाँ पे एक जो है मॉडल लगाया हुआ है रेप्लिका वंदे भारत का, ये अच्छा है यार एडवांस कर रखा है। ये जो हमारी ट्रेन्स चलती थी, ये देखो ये वाली जीटी एक्सप्रेस अम्बाला चेन्नई, मतलब अच्छा है यार काफ़ी, मतलब ठीक है एसी आ गई, एसी की ट्रेन्स आ गई, कालका शिमला वाली जो अभी ट्रेन टॉय ट्रेन है सेकंड ट्रेन। ये अच्छा है मतलब इंटरेस्टिंग है, ये मालगाड़ी है, सारी मालगाड़ी हैं, मालगाड़ी है। तो ये देखो पेट्रोल वगैरह जो है वो आप ट्रेन से ही जा रहे हैं तो सबको पता है इंडस्ट्री में। ये देखो ये एक ट्रेन है, ये तो देखने लायक ट्रेन है, एक इंजन है। राजा ट्रेन के बारे में जिक्र किया गया वो ये ट्रेन है, ये महाराजा ट्रेन है। तो देखो गाइस अभी हम जा रहे हैं काव्या के पास रेल म्यूजियम के अंदर, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हुए आपको दिखाते हुए। अच्छा है यार काफ़ी, मतलब मेस्मराइजिंग है बहुत ज़्यादा, मतलब आप लोग एंजॉय कर सकते हो आके। और यहाँ पे ना एक सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लग रही है कि रेल कैफेटेरिया ये बड़ा अच्छा यूनिक बनाया हुआ है यार, बहुत यूनिक है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं आप आके खा सकते हो, क्योंकि सुबह वगैरह आता है तो अपना आराम से ब्रेकफास्ट वगैरह ले सकते हैं। तो देखो तो अभी हम झूले वाले पार्क में जा रहे हैं, यहाँ पे कहीं झूले वाला पार्क है तो चलते हैं यहाँ से। तो ये देखो काव्या और काव्या की मम्मी
झूले वाले पार्क में झूला एंजॉय करते हुए। काव्या एंजॉयिंग, तो ये जो है ये स्टीम लोको इंजन के बारे में बता रखा है, ये स्टीम लोको इंजन है, पूरा स्टीम लोको इंजन है। और ये देखो काफ़ी अच्छा है यार, काफ़ी मतलब यूनिक। ये देखो ना आप, आपके नीचे भी देखो आप, बहुत अच्छा बना रखा है इन्होंने, बहुत बढ़िया है यार। तो हम ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ के देखते हैं एक बार। अरे वाह, ये था पहले, तो ये स्टीम इंजन है, तो ये प्रेशर गॉज है, ठीक है। तो ये जितना मतलब हम लोग इसमें क्या है कि कोयला डलता था पूरा का पूरा, पहले इसमें पूरा जितना भी हम कोल डालते थे, कोल डालने के बाद ये प्रेशर क्रिएट करता था, पूरा चैम्बर होता था, इस प्रेशर से ही ये स्टीम चल इंजन जो है वो चलता था। ये देखो ये पूरा का पूरा जो कंटेनर था ये पूरा कोयलों से भरा रहता था, और ये कोयले यहाँ से निकालते थे, कोयले से निकाल के सारा का सारा इसमें डालते थे, और डालने के बाद ये सब चीज़ें होती थी। तो ये मतलब काफ़ी यूनिक मतलब बना रखा है यार, मतलब कोई सीखना चाहे, कोई टेक्नोलॉजी के बारे में देखना चाहे कि क्या टेक्नोलॉजी उस टाइम पे, और वाकई में मतलब इंडिया के पास इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी थी, तो मैं तो उन सभी जितने भी जो इस ट्रेन को जिन्होंने बनाया है उन सभी को मैं हैट्स ऑफ करता हूँ, उनकी इंजीनियरिंग को, क्योंकि मैं खुद भी एक इंजीनियर हूँ, तो भैया मैं हैट्स ऑफ तो करूँगा ही करूँगा। ये देखो मैं भी स्टीम इंजन के ऊपर हूँ, यहाँ से कुछ व्यू ऐसे है, आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ मैं। ये देखो कितनी अच्छी ट्रेन है वाली, ये देखो ये ट्रेन है, और देखो अभी पेंट का काम चल रहा है। तो पहले जो है ना ट्रेन जो है ना एनिमल्स को भी लेके जाती थी, तो देखो ये एनिमल्स बनाए हुए सारे के सारे ना, ये सारे एनिमल्स कैसे इसको मतलब ऐसे कंटेनर्स में लेके जाते थे एनिमल्स को, ताकि एक नया जू वगैरह या फिर बायोडाइवर्सिटी क्रिएट किया जा सके, क्योंकि आपको पता ही है कि अब एनिमल्स पहले ऐसे ही जाते थे। और ये ग्रेट इंडिया पेनिनसुला जो एक ट्रेन चलती थी बहुत पहले डायनोमीटर के नाम से, हम लोगों ने मतलब काफ़ी मतलब आप मानोगे नहीं एंशियंट हिस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ है ये सब चीज़ों के बारे में। तो ये जो ट्रेन्स होती थी ना मतलब बड़ी यूनिक ट्रेन्स होती थी, ये पूरा एक ट्राम होता था एक तरीके का, ये अंग्रेज़ों के टाइम पे मतलब जो ब्रिटिश जो कल्चर था उस टाइम पे ये सब चीज़ें चलती थी। तो कहीं ना कहीं उनके पास भी टेक्नोलॉजी अच्छी रही होगी नो डाउट, बट वो टेक्नोलॉजी जो है वो सब इंडियंस के कारण ही आई, क्योंकि हम लोग ही उनके लिए काम करते थे, हम लोग ही उनके लिए वो ये सब चीज़ें बनाते थे। तो ये देखो भारतीय रेल, ये देखो आप देखो मेरे आगे पीछे देखो ट्रेन ही ट्रेन जहाँ देखो जितनी जगह देखो ये सब ट्रेन ही ट्रेन। तो आप लोग को लगेगा नहीं भाई ये रेल म्यूजियम है, ये आपको मतलब मैं बता रहा हूँ बिल्कुल, ये लोगों की मिथ है कि यार रेल म्यूजियम में क्या है, भाई रेल म्यूजियम में बहुत कुछ है देखने के लिए, बहुत अच्छा बना रखा है। आप लोग आइए सभी, मैं तो आप सभी को कहूँगा, बहुत लोग मतलब कोशिश कीजिए एक दिन टाइम निकाल के आप आ सकते हो रेल म्यूजियम के अंदर, और मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई। और अपना एवरी सैटरडे आप एक दिन निकालो, और दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी अच्छी जगह है घूमने की, बहुत बढ़िया बढ़िया जगह है, तो मतलब आप आओ देखो समझो तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखो आपको लगेगा ही नहीं आप रेल म्यूजियम में, आपको लगेगा कहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आए हो आप लोग, बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है और वहाँ पे ट्रेन ही ट्रेन मतलब हर तरीके की ट्रेन है यहाँ पे, यहाँ पे पटरियों पे हर तरीके की ट्रेन। ये देखो आगे पीछे देखो सारा व्यू देखो आप, वो देखो सामने भी ट्रेन देखो, ये देखो ट्रेन देखो, पूरा मतलब लगता ही नहीं कि आप रेल म्यूजियम में आए हो। ये देखो तो ये मतलब लगभग इनमें सबसे ज़्यादा स्टीम इंजन है। देखो पुराना स्टीम इंजन है, ये देखो कितना हैवी इंजन है, पूरा का पूरा कितना हैवी इंजन है, बहुत हैवी मतलब मुझे लगता है कि अब तक मैंने इतने इंजन्स मैंने मुझे पूरी इंडिया के अंदर म्यूजियम्स में मैंने मतलब कहीं रेलवे स्टेशन पे भी या किसी जगहों पे भी मैंने नहीं देखे भाई आज तक, इतने ज़बरदस्त मतलब देख के एहसास होता है कि क्या इंजीनियरिंग रही होगी उस टाइम की। ये देखो एक ट्रेन, मतलब ट्रेन के भी अपने एक लुक होते हैं भाई, ये मतलब एथनिक्स हैं ये, मतलब एक तरीके से ये लोग ये तो मतलब सीरियसली ज़बरदस्त। ये देखो दिल्ली की
सुबह में हम रेल म्यूजियम घूम रहे हैं, इससे बढ़िया बात क्या है। देखो मैं एक स्टेशन पे घूम रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ, टिकट ले लिया मैंने, शिमला निकल रहा हूँ मैं अभी। अभी मेरी टॉय ट्रेन आने वाली है, अभी बस शिमला निकल जाऊँगा मैं। ये देखो एंटीनल वन करके ना एक वो आया है एंटीवायरस, मुझे नहीं पता था कि नाम कहाँ से चेजा हुआ, बट मैंने अब दिख रहा है मेरे को ये सेंटिनल वन यहाँ से आया है। देखो रेल म्यूजियम में एक ब्रिज है, कितना अच्छा ब्रिज है। तो हम ब्रिज में जा रहे हैं, ब्रिज से ऊपर। काव्या, मम्मी कहाँ है? आ जाओ मम्मा, मम्मा आ जाओ। काव्या से बाय बाय, बाय बाय रेल म्यूजियम, बाय बाय। तो यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग करूँगा एंड, और बाय बाय रेल म्यूजियम। फिर मैं आऊँगा दोबारा आप लोगों को दिखाने कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय रेल म्यूजियम, बाय बाय रेल म्यूजियम। स्टेशन।